हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद एनी में आप सभी का स्वागत है। आज के मेरे वीडियो में आप सभी के साथ वाओ का ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल का रिव्यू करूंगी। काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल है, मैं इसे पर्सनली यूज़ करती हूं और मुझे ये हेयर ऑयल काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपके भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम चल रही है, बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, कंघे करने पर बाल टूट रहे हैं, नहाते टाइम बाल गुच्छों में टूट रहे हैं, तो यही सब प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी हो रही है तो आप ये वाओ का ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल यूज़ कीजिए। काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और साथ में बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस, हम सभी जानते हैं कि वाओ के सभी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं और ये ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल है। नॉन स्टिकी नॉन ग्रेसी हेयर ऑयल है, फॉर हेयर को सिल्की एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है। और इसके अंदर ऑनियन है, ब्लैक सीड ऑयल है विद आलमंड, कैस्टर, जोजोबा, ऑलिव एंड कोकोनट ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो बालों की हेयर की ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। और इसके अंदर कोई सिलिकॉन्स नहीं है, ये पैराबन फ्री है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, साथ ही ये डर्मोलॉजिकल टेस्टेड है। इसकी जो क्वांटिटी है वो 200 ml की इसकी क्वांटिटी है और इसकी जो प्राइस है वो 599 rupees इसकी प्राइस है। बट मैंने इसे पर्पल से ऑर्डर किया था तो वहाँ मुझे 350 rupees का मिल गया था। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है सब कुछ यहाँ पे लिखा है, इसे कैसे यूज़ करना है वो भी यहाँ पे लिखा है। तो आप यूज़ करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, बाल रफ हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो उसके लिए ये हेयर ऑयल यूज़ कीजिए। काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल है और ऑयल तो हम सभी को यूज़ करना चाहिए। और अभी समर चल रही है तो समर में क्या होता है, मोस्टली गर्ल्स हेयर पर ऑयल लगाना पसंद नहीं करती है, वो सोचती है बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाएंगे, तो उसकी जगह अगर आप ये लगाएंगी तो ये बहुत ही अच्छा है। नॉन स्टिकी है, आपके बालों को चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं करेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अंदर से कुछ इस तरीके का है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से लेकर, हल्का लेकर आपको अपने बालों में लगाना है। काफ़ी अच्छा है, इसे आप लगाइए। और हेयर ऑयल को आपको सप्ताह में 3 बार जरूर लगाइए। जब भी आप बाल धोती हैं उसके एक दिन पहले नाइट में आप बालों में हेयर ऑयल लगा लीजिए और दूसरे दिन आप कोई भी माइल्ड शैम्पू, नहीं तो वाओ का ही शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कीजिए। काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा। अगर आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो इस ऑयल को यूज़ करने के बाद बंद हो जाएगी। मैं मोस्टली गर्ल्स को यही कहती हूँ कि वाओ का ऑनियन ब्लैक हेयर ऑयल लगाइए, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। मेरे भी काफ़ी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही थी, बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, रफ हो गए थे, मैं तब से इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जैसे मुझे लगता है कि मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है, ये हेयर ऑयल लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। लगाते ही 15 दिन के अंदर अंदर मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम वापस ख़त्म हो जाती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।